नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत ही बहुत स्वागत है हाईवे क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग के क्लॉक पार्ट से पार्ट टू है फ्रेंड्स, और इसमें हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इससे पहले हम लोग एक पीछे जो कॉन्सेप्ट सीखा है, एंगल निकालना यानी कि कोण निकालना, हम किसी भी दिशा में किसी भी मिनट या कोई भी समय दिया गया हो और घड़ी में हम उसका बता सकते हैं एंगल कितने समय में या कितने कितना एंगल होगा कितने समय में। ठीक है, आपने ये अच्छे से पिछले वाले पार्ट में आपने सीखा था। ठीक है, आज के पार्ट में हमने कुछ नया सीखना है यानी कि इसका रिवर्स वाला केस सीखना है। एंगल दिया जाएगा और आपसे टाइम निकलवाएंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे पीछे वाले पार्ट से। ठीक है, रिवाइज समझ लीजिए, या एक क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट थोड़ा है, थोड़ा सा छोटा सा माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, हालांकि हमने बताया था, फिर भी हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह और आज आप हमारे साथ रीजनिंग पढ़ेंगे पार्ट टू घड़ी से। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम दोनों तरीके सॉल्व कर लेते हैं। एक पहले घड़ी बना लें, ये हमने एक घड़ी बना ली और इस घड़ी में भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे घड़ी की तरीके से देखना। तो इसमें हम 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक, अब देखना अब कितना बज रहा है, 12:20 हो रहा है। भाई ये तो क्लियर है कि मिनट वाली सुई यहां पर फिक्स है और 12:20 हो रहे हैं यानी कि घंटे वाली सुई कुछ आगे है, कहां से, 12 से। तो ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अब आप सीख चुके थे कि प्रत्येक जो स्पेस है वो 30 डिग्री का होता है। तो भाई 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया। ठीक, अब ये हमारा ये वाला 30 का हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 30 का है नहीं। क्यों? क्योंकि ये घंटे वाली सुई कुछ चल चुकी है। कितना चल चुकी है बस यही हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप देखना कि हमने बताया था घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। जैसे हम पूछे 50 मिनट में चलेगी 25 डिग्री, है ना, आधा चलती है 1 मिनट में, आधा तो 50 मिनट है 25। तो अब देखना घंटे वाली सुई कुछ आगे बढ़ी है, कितने मिनट आगे बढ़ी है भाई, 20 मिनट बढ़ी है। कैसे जाने ये 20 मिनट, ये देखो 20 मिनट ना होते तो ये घंटी पीछे रहती, ये 20 मिनट अगर पीछे चले जाए तो ये घंटे वाली सुई भी पीछे चली जाएगी। तो ये तभी बढ़ी है तब ये जब 20 मिनट हुए हैं। तो 20 मिनट, 1 मिनट में घंटी घंटे वाली सुई बढ़ती है आधा डिग्री, तो 20 मिनट में बढ़ेगी घंटे वाली सुई 10 डिग्री, यानी कि ये वाला 10 डिग्री बढ़ चुका है तो पूरा 30 का होता है, तो बचा कितना, इतना 20 डिग्री, भाई पूरे 30 का होता है ना। तो 10 यहाँ से यहाँ 10 हो चुका है, लेकिन अभी ये वाला बचा हुआ है तो ये कितना होगा, 20। कैसे जाने, क्योंकि पूरा 30 का होता है, ये इतना 10 का, तो इतना 20 का, 20 का बचा हुआ है। तो बस काउंट कर लीजिए, 30 और 30 60, 30 90, 20 110, ये आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। चलिए, कल हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि उसमें आप फिट करेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को जानते हैं, एंगल निकालने का था उसमें आपका था 60 h, ये डिफरेंस का साइन था, 11 m डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस से यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं। तो क्या पूछा गया, 12:00, तो 12:20 हैं, 12 को हम लोग यहाँ पर जीरो काउंट करेंगे क्योंकि 12 पर सारी घड़ी जो है जीरो बना लेती, क्योंकि 360 के बाद में जीरो फिर से वही आ जाएगा रिपीटेशन फिर से। तो ये इसीलिए बस सीखना ये था हमें कि 12 में हम इस फार्मूले में 12 की जगह पर 12 ना लेकर जीरो लेंगे। ठीक है, तो भाई आप यहां पर जीरो ले लेंगे तो 60 में अगर एच, मतलब हमने आज जीरो हो गया, एच हमारा जीरो हो गया, 60 में अगर हम जीरो से गुणा करें तो भाई 60 × 0, क्यों जीरो ले रहे हैं, क्योंकि एच का मान 12 की जगह जीरो होगा। ठीक है, हमेशा
और 11 m, m की जगह 20 मिनट है, बट m कितना होता है 2। अच्छा 0 घटाओ 60 गुणे 0, 60 गुणे 0 0 हो जाएगा, 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं, तो 11 दूनी 22 और बटे में 2 काटेंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री। सेम आएगा विदाउट मैकिंग घड़ी, आपको ये फिगर डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है? और हमें बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं, ये फार्मूला तो आपको याद ही है, बस एक लाइन लगेगी आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी समय दिया गया हो कोई भी, ठीक है? और हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आने वाले सेशन में, ठीक है? पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसा कि मैंने कहा था, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना बनता है भाई, लाइक तो किया करो कम से कम यार, जितने लोग देखते हैं लाइक तो किया करो। आप लाइक करेंगे ना तो हम स्पीड से लेक्चर बनाने बना के आपको दे पाएंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, कोई भी काम कर रहे हो तो उसको आपको अगर गुड मिल जाए तो फिर आपको उसमें और इच्छा होती है काम करने की, ठीक है? तो इसी तरीके सोच लीजिए, आप थोड़ा लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ जाएगा, ठीक है? लाइक बटन दबाने का पैसा नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री है, आप इस हक का प्रयोग अपने करें जो आपको ये हक दिया गया है, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइम से, एंगल से टाइम निकालना, यानी कि अब हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइम निकालना। एंगल आपको दिया जाएगा और आपसे टाइम निकलवाएंगे। जैसे हम एक घड़ी मैकिंग करते हैं, ठीक, और इसमें हम नेमिंग कर लें 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है? और इस घड़ी में ना आप देखना, इस घड़ी में प्रत्येक एंगल 2 बार बनता है, ठीक है? प्रत्येक एंगल 2 बार बनता है, हर घंटे में प्रत्येक एंगल 2 बार बनता है। अगर एक एंगल 2 बार बनता है प्रत्येक घंटे में, हर एंगल 2 बार, बस एक दो केसेस ऐसे हैं जो आप लोगों को स्पेशल पढ़ने पड़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, उन केस में एक घंटे में एक ही कोण बनता है। वो कौन से स्पेशल केसेस हैं हम लोग थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक कोण हर एक घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है? जैसे हम एक बात करें कि 3 और 4 के बीच में कब 15 डिग्री का एंगल बनेगा, 3 और 4 के बीच में, ठीक है? तो 3 और 4 के बीच में 2 बार एंगल बनेगा, एक घड़ी के सुइयों के मिलने के पहले और एक घड़ी के सुइयों के मिलने के बाद में, ठीक है? तो यही पर हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे है 3 और 4 बजे के बीच 60 डिग्री का एंगल कोण कब बनेगा, ठीक है? कब बनेगा, ये पहला क्वेश्चन जैसे मान चलते हैं। तो हम लोग सीधे, जैसे हम लोगों ने सीखा था, हम लोग सीधे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सीधे ट्रिक देखेंगे क्या है इसकी। तो देखना सिंपल सा, बस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 2 बाय 11 30H1 प्लस माइनस थीटा, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका आंसर दे देता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो क्या है फॉर्म टाइम निकालने का, टाइम मतलब यहां पर आपको एम एम दिया जाएगा, टाइम की जगह पर एम, एम मतलब होता है मिनट, ठीक है? मिनट में आएगा 2 बटे 11 30H1, H1 से मतलब होता है कि H मतलब होता है आवर, 1 से मतलब हो गया पहला, यानी कि पहला घंटा H1, प्लस माने थीटा, यानी कि प्रत्येक एंगल 2 बार बनता है, एक बार प्लस करने पर एक बार माइनस पर, थीटा जो आपको एंगल दिया जाएगा, जैसे इसमें 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है? तो चलिए हम लोग निकालते हैं 3 और 4 बजे के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो यहां पर एम इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है 2 बाय 11 30H1 प्लस माइनस
ठीक ठाक दो चार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2 by 11 30 H1, 3 और 4 के बीच में, तो पहला घंटा कौन सा है? 3 का, तो 30 * 3 = 90 प्लस माइनस, अब देखना थीटा कितना दिया गया, 60 डिग्री। अब एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, समझ लो। यहां पर 2 by 11 एक बार हमने माइनस कर दिया, 90 में से 60 जाएंगे, 30 बचेगा, ठीक है। और इधर हम लोग माइनस कर लेते हैं 2 by 11, तो इधर हमने माइनस किया, इधर प्लस कर लेते हैं, तो 90 और 60, 90 60 हो जाएगा 150, ठीक है। 30 का डबल पहले करेंगे, 60 बटे कितना, 11, तो आप भाग करेंगे तो आएगा 5, सही, 5 बटे 11 एक आएगा, ये मतलब इसका मतलब है कि एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा, 3 बजकर 5, सही, 5 बटे 11 मिनट पर, ठीक है। एक तो ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल, और एक इधर बनेगा आपका, तो ये 150 का डबल हो जाएगा 300, 300 बटे 11 आप भाग करेंगे, 11 दूनी 22, बच गया 8, हो गए 80, तो 11 सत्तर 77, बच गए 3 बटे 11, तो एक एंगल बनेगा आपका 3 बजकर 27, सही, 3 बटे 11 मिनट पर। ये आपके दो टाइम होंगे एंगल बनाने, एक कब बनेगा एंगल, घड़ी के सुइयों के मिलने के पहले, और एक एंगल बनेगा घड़ी के सुइयों के मिलने के बाद में। जैसा अगर हम देखें 3 बजकर 5 मिनट, तो 3 बजकर 5 मिनट हुए हैं और 5 सही 5 बटे 11, तो 5 मिनट तो यहां हो जाते हैं, तो समथिंग यहां पर, और 3 बजकर, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मिनट वाली सुई पहले है, अभी घंटे वाली ये सुई है, तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो बिल्कुल इस तरीके से होता है। अब जब 45 का होगा तो समथिंग ऐसा आएगा, तो देखना इतना ही गैप है समथिंग में, देखिए ये एग्जैक्ट एंगल है, बिल्कुल एग्जैक्ट। एक एंगल कब बनेगा, 3 27 पर, यानी कि 25 मिनट तो यहां हो जाएगा, 27 मिनट लेना है, तो ये देखिए 27 मिनट समथिंग यहां पर कुछ आएगा, और 3 बजकर है, तो ये देखिए ये वाला घड़ी सुई यहां पर आ जाएगी, एक देखिए, एक जब ऐसे घड़ी यहां से होकर गुजर रही होगी ऐसे करके मिनट वाली सुई, तब एक एक एंगल बनेगा कब, घड़ी के सुइयों के मिलने के पहले, और एक एंगल बनेगा घड़ी के सुइयों के मिलने के बाद में। तो समस्या ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कब हमें प्लस करना है कब माइनस। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो ऐसे क्वेश्चन में कह दे कि 3 और 4 बजे के बीच 60 डिग्री का एंगल कब पहली बार बनेगा, तो पहली बार यानी कि पहली बार तभी बनेगा घड़ी के सुइयों के मिलने के पहले, और जब भी अगर आपसे कहा जाए घड़ी के सुइयों के मिलने के पहले, तो हमेशा आप करेंगे माइनस। और अगर ये कह दिया जाए कि 3 और 4 बजे के बीच 60 डिग्री का एंगल दूसरी बार कब बनेगा, तो दूसरी बार के लिए हमेशा करेंगे प्लस, दूसरी बार तभी बनेगा जब ये घड़ी एक एक के पार निकल जाएगी, ठीक है, यानी कि ओवरलैप हो जाएगी, घड़ी मिल जाएगी, तब आपको करना पड़ेगा प्लस, और जब मिलेगी नहीं तब आपको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, समझ पाए प्लस माइनस का खेल। और अगर आपको सवाल में ये पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है कि ना तो हमें पहले और ना ही बाद में दिया गया, तो आप क्या करेंगे, तो हमेशा आप प्रेफरेंस देंगे माइनस को, अगर माइनस से आंसर नहीं आता है तो फटाक से प्लस कर लीजिएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, 5 सेकंड, बहुत ज्यादा 5 सेकंड लग जाए, बस जैसे यहाँ पर अगर 60 30 90, यहाँ पर 90 में 60 गया 30 बटा, और अगर इससे आंसर नहीं आता ये, तो हम लोग 90 और 60 एक 150 हो गया, 150 का डबल 300, बस आंसर आ जाता, ठीक है, इनमें से दो में से एक पक्का होगा, क्लियर। चलिए हम लोग और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और भी क्वेश्चनों की सॉल्व करते हैं। वैसे तो प्रत्येक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, कुछ एंगलों को छोड़ दिया जाए तो वो एंगल जो है 1 घंटे में 1 ही बार बनते हैं, स्पेशल केसेस है, हम लोग थोड़ी धैर्य रखना, आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, चलिए हम लोग जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने लिया दूसरा क्वेश्चन कि कब 3 और 4 के, 3 और 4 हो चुका है, अब हम ले लेते हैं जैसे कोई भी एक ले लें, कब 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में
आठ और नौ के बीच में, कब 8 और 9 के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 8 और 9 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो अगर इस वाले में हमें नहीं पता चल रहा है कब प्लस करना कब माइनस, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे, अगर माइनस से आंसर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तुरंत से प्लस करेंगे। तो देखना भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, एम इक्वल टू 2/11 30H1 प्लस माइनस थीटा। क्लियर, तो 2/11, अब 30H1 8 3 24 240, भाई एच का मान 8 रखेंगे तो 8 3 24 240 प्लस माइनस 45 डिग्री। एक बार हमें क्या करना है, माइनस, एक बार करना है प्लस। तो सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, 240 में से 45 जाएंगे तो पहले 40 जाएंगे, 200 बचेगा, 5 और जाएगा तो बचेगा 195। 195 का अगर हम डबल कर लें तो 2 5 10 और 2 9 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, 390 बटे कितना 11, भाग कर लीजिए, 11 3 33 बच गए 6, हो गए 60, 11 5 55, एक एंगल बनेगा आपका 35 सही 5/11 पर, यानी कि कितने बजकर 8 बजकर, 35 सही 5/11 पर एक एंगल बनेगा आपका, ये वाला मिलने से पहले बन जाएगा और एक प्लस करने के बाद में बनेगा। अब प्लस कर देना भाई, 240 में अगर हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 285। ठीक है, प्लस करने पर 285 और इंटू में 2 करना है, बटे में 11 है तो 2 से गुणा भी कर लेते, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 570 बटे कितना 11, भाग करते हैं, 11 5 55 बच गए कितने 2, हो गए 20, 11 1 11 और 9/11, एक एंगल आपका बनेगा जाकर 8/51 सही 9/11 पर। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन में हो आप लगाइएगा, सबसे पहले माइनस कीजिएगा, अगर माइनस से आंसर मिल नहीं मिलता तो फिर इस तरीके से करना ही पड़ेगा आपको। अगर वो कह देता कि 8 और 9 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब पहली बार बनेगा, तो आप सीधे माइनस करते, आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है, एक और क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में कब 45 डिग्री का एंगल यानी कि कोण पहली बार बनेगा, बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, तो बस तुरंत आपसे क्या करना है, तुरंत आपको फॉर्मूला तो अब याद ही हो चुका होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं, 2/11 30H1 प्लस माइनस थीटा। इस तो भाई 2/11, अब 30H1 यानी कि 7 3 21, क्लियर हुआ होगा, 210 प्लस माइनस थीटा यानी कि 45। अब पहली बार पूछ रहा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, आप लोग सीख चुके हैं भाई। अब देखिए, 45 अगर आप माइनस करेंगे तो यहां पर आपके बचेंगे 10 में से 5 गया 5 और यहां 11 में से 4 गया 7, यहां बचा कितना 1, 11 से काटेंगे, 11 1 11, ठीक है, सॉरी, यहां पर आपके 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 11 1 11 बच गया कितना 5, हो गए 55, 11 5 55 और 15 2 9 30, यानी कि 30 मिनट पर यहाँ पर m इक्वल टू होता है। तो पहला एंगल बनेगा 7 बजकर, हमेशा पहले वाले से बजकर बनता है, 7 बजकर 30 मिनट पर आपका पहला एंगल बन जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट एंगल बनता है, मतलब समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही 7 एग्जैक्ट, क्योंकि ये 6 रहा और ये 7 और ये 8, यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा, 7:30 पर ये वाली भाई 30 मिनट तो यहाँ हो गए और ये 7:30, ये एकदम राइट बनता है, क्योंकि ये घंटे वाली भी सुई अभी 11 बटे में आ रहे थे ना, इसमें नहीं आए, क्यों, क्योंकि इसने एग्जैक्ट यहाँ पर बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये मिनट है, ये पूरा पोर्शन होता है 30 मिनट का, ये बढ़ गया, घंटे वाली सुई कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 30 मिनट, तो 30 मिनट में बढ़ेगी 15 डिग्री, तो पूरा 15 30 का होता है, तभी तो ये 15 बचा, तो 15 ये तो पूरा 45 का एंगल बन गया 7:30 पर, पक्का है,
क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अगर इसी में पूछ देते हैं कि दूसरा भी एंगल दूसरी बार कब बनेगा, तो हम लोग प्लस माइनस की जगह क्या कर रहे होते हैं, प्लस 2/11, 210 जोड़ देंगे 45, तो हो जाएगा 255। 255 का डबल करेंगे, 2 5 10, 2 5 10 और 11, और 2 2 4 और 1 5, 510/11 भाग करेंगे, 11 चौक 44, बच गया कितना, 7 हो गए 70, 11 छिंगा 66, बच गया कितना, 4/11, यानी कि दूसरा एंगल बनेगा 7:46 से ही 4/11 मिनट, ठीक है? ये दूसरा टाइम होगा 45 डिग्री का एंगल बनने का 7 और 8 के बीच में। आप देख रहे होंगे सारे टाइम 7 और 8 के बीच में दोनों टाइम है। क्लियर है गाइज? आई होप आप लोगों क्लियर है। चेक कीजिएगा फ्रेंड्स इस वाले कॉन्सेप्ट को और लगाइएगा, और जो स्पेशल केसेस हैं, जो स्पेशल केस हैं, वो हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग इतने ही रखते हैं। धीरे धीरे से मैं सारे आपका रीजनिंग कवर करने का प्रयास करूंगा, जिस तरीके से मैंने अर्थमेटिक आपके साथ कवर किया है, ठीक है? तो थैंक यू गाइज, और इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन फ्रेंड ने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा हाईवे क्लासेस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।